ये देखो, ये हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हमसे मुलाकात हुई और माशाल्लाह ऊपर से पूरा घूम के आए हो। हाँ कहाँ, मालती गिड़ी पे गए थे ऊपर? हाँ हाँ मालती गिड़ी। अच्छा, सरकार के चिल्ला शरीफ पे। तो मैं अफसर ताजी, आई एम कमिंग फ्रॉम नागपुर। अच्छा, आई एम ए यूट्यूबर। तो करिए। बस बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हो? हम अकोला से। माशाल्लाह, हम नागपुर से आए और दोस्तों ये भाई अकोला से आए और आप भी यहाँ का सरकार थे। माल टेकड़ी पे इनसे ही मुलाकात हुई। माशाल्लाह, ये है गोश पाक का चिल्ला मुबारक। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं अमरावती शहर में हूँ और ये तनवीर हमारा भतीजा, हमारे बड़े भाई फारूक भाई, इनके घर में मैं आया हूँ और काफ़ी अरसे बाद आया हूँ यहाँ पे। कम से कम 20-25 साल बाद ही आया हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ आने के बाद में बहुत खुशी हुई, बहुत इज्जत और बहुत प्यारे लोग हैं हमारे ये भाई बहन जो भतीजे हैं, बहुत रिस्पेक्ट किया। और रात भर मैंने यहाँ पे काम करने के बाद में अभी सुबह, अभी सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? माल टिकड़ी में जाएंगे और गौश पाक की बारगाह पे, वहाँ चिल्ला शरीफ है, वहाँ की ज्यारत आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। चलिए आगे। माशाल्लाह देखिए, अभी हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम लोग माल टेकड़ी आ रहे हैं। में गौश पाक की चिल्ला शरीफ, वहाँ से शुरुआत करेंगे। इस शहर नागपुर शहर के अमरावती शहर है। माशाल्लाह दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं माल टेकड़ी के गेट के पास में आ चुका हूँ और अभी कुछ ही वक्त में सरकार की चिल्ला शरीफ पे आप लोगों को लेके चलूँगा और वहाँ की हाजिरी और आपका सलाम वहाँ पेश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये माशाल्लाह ये गेट है, ये सरकार के चिल्ला शरीफ पे जाता है। यहाँ पे फूल और तबरुक की ये छोटी सी दुकान आपको नज़र आ रही है और ये पहचान के लिए ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, देखिए, रेलवे स्टेशन, एसटी स्टैंड, टोपे नगर, रुक्मिणी नगर, और इसी को लग के ये यहाँ पे ये बुलंद दरवाज़ा, ये गेट आपको नज़र आ रहा है माल टेकड़ी का। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे बारगाह गौसुल वरा, इनके चिल्ले शरीफ पे आप तमाम लोगों का इस्तकबाल। देखिए ये तबरुक और फूल शिन्नी की यहाँ पे दुकानें आप लोगों को नज़र आ रही है। माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। देखिए यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है और ये मिलिट्री का तोप यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अल्लाह की मखलूक है, देखिए गिलेरी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये काफी साल पुराना है ना? तो दोस्तों, अभी वहाँ से हम लोग आधा सफर करने के बाद में सरकार की बारगाह के बहुत करीब है। ये देखो, ये हमारे
दोस्त लोग यहाँ पे हमसे मुलाकात हुई और माशाल्लाह ऊपर से पूरा घूम के आए हो। हाँ, माल टेकड़ी पे गए थे ऊपर। अच्छा, सरकार के चिल्ला शरीफ पे। तो मैं अफसर ताजी, आई एम कमिंग फ्रॉम नागपुर। अच्छा, आई एम ए यूट्यूबर। तो आप तमाम लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यस सर, यस सर, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप तमाम भी करो, आप भी करो। बेशक बेशक, ये तमाम दोस्त लोग, ये हमारे भाई लोग यहाँ पे हमको नजर आए, और सरकार के सदके अल्लाह ताला इन सब को कामयाबी और कामरानी अता करे और ये अपनी जिंदगियों में खुशहाल रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो भाई। यस सर, बाय बाय बाय। सर आपका चैनल, एक मिनट एक मिनट, सर आपका चैनल कौन सा है? ये इसमें से निकाल लो। तो दोस्तों, अब यहाँ से कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद हम सरकार के चिल्ला शरीफ के लिए, हमारा सफ़र आगे बढ़ चुका है और मंजिल अभी दूर है। कहते हैं कि इस मकाम से शहर अमरावती पूरा नज़र आता है ना? सही बोल रहे हैं। और पूरा अमरावती का नज़ारा ये माल टिकड़ी से आप लोगों को नज़र आएगा। बस बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हो? माशाल्लाह, हम नागपुर से आए। और दोस्तों, ये भाई आकलों से आए और आप भी यहाँ का सरकार थी माल टेकड़ी पे, इनसे ही मुलाकात हुई। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखे, नस्बत रखे। हर वक्त आपको मुश्किलात के वक्त में आप लोगों को इनकी सोबत और इनकी दुआएं काम आती हैं। चलिए, इनको भी एक कार्ड दे दो भाई। तो हमारा चैनल है अफसर ताजी ब्लॉग, नागपुर से आए हैं सरकार ताजुल औलिया की नगरी। तो फिर आपसे मुलाकात, चलिए अल्लाह हाफिज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सीढ़ियों का सफ़र शुरू होता है। तो माशाल्लाह दोस्तों, देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही है, बहुत सारी सीढ़ियाँ है। तो ये है माल टेकड़ी, सरकार पीराने पे दस्तगीर गौर से पास, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शहन लिल्ला है आपका चिल्ला शरीफ, जिनकी ज्यारत के लिए अभी मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। और आप तमाम लोगों की ज्यारत और सलाम हुजूर की बारगाह पर पेश करूँगा। ये यहाँ पे बैठे हजरत गौस पाक महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी, देखे सरकार के सदके ये आप आए हो, ये नजराना कबूल आपकी। और पढ़ना है क्या आपको? हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। और हमारे तनवीर हमारे साथ में, ये भाई लोग भी हमको यहाँ मिले। तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कार्ड दे दो हमको। चलो मिलते हैं। हाँ, दे दो तनी। हमारा कार्ड ले लो भाई। ये माल टेकड़ी है, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। बहुत ऊंचाई पे है सरकार का ये चिल्ला शरीफ। और ये
देखिए यहाँ पे जो ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही ये बहुत ऊंचाई पे है और पूरा फॉरेस्ट है ये। तो चले आगे बढ़ते, आप हमें रास्ता बताइए आगे। इंशाल्लाह भाई हम नागपुर से आए और हमारा ब्लॉग है यूट्यूब पे, सरकार के यहाँ पे आए। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दे दो ना इनको एक कार्ड और आप उस पर अपने आप को भी पाइए। यहाँ की कैसा है? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सुकून है। तो चलिए मिलते, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह सरकार की चिल्ला शरीफ पे हम कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं। अन करीब यानी बहुत करीब है हम, आप लोगों को सरकार की बारगाह पे लेके चल रहे हैं। यहाँ उतारना है ना, ऊपर भी उतारे तुम, वहाँ भी है क्या जी? माशाल्लाह दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये अमरावती शहर में जो माल टेकड़ी के नाम से मशहूर है चिल्ला शरीफ, देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदादी। आप सुल्तानुल औलिया है, आप की करामातें, ऐसी करामातें बेशुमार कि आपकी रूह कांप जाए। माशाल्लाह सरकार की बारगाह पे आप लोग भी तशरीफ़ लाए और आपका फैज़ो करम हासिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह ये है गौस पाक का चिल्ला है मुबारक। माशाल्लाह देखिए ये आपका गुम्मद शरीफ है, बहुत सालों से तमन्ना थी कि बारगाह गौसुलवरा अमरावती में जो आपका चिल्ला शरीफ है यहाँ पे तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने मुझे वो शर्फ हासिल किया, मैं अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए अंदर चलते और आप लोगों को ज़्यारत करवाते हैं। माशाल्लाह देखिए पूरा इलाका है ये माल टेकड़ी का, ये पूरा फॉरेस्ट है ये, और यहाँ पे फूल और चादर उतारने के बाद में यहाँ पे जमा किया जाता है जगह पे। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। माशाल्लाह महबूब सुबहानी, फूल फूल से रख दूंगा। हाँ Thank you.
अस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार गौसल वरा पिरानी पे दस्तवीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्ला है। ये वो वली है सुल्तानुल औलिया जिन्होंने 12 साल की डूबी हुई किश्ती को निकाला। आपकी करामातें बेशुमार हैं। आप वलियों के सरदार हैं, सरदार उल औलिया का आपको खिताब मिला है और सब वलियों में आला और बड़ा मकाम आपका। ये शहर अमरावती में आपका चिल्ला शरीफ है, माल टेकड़ी के नाम से मशहूर है, बारगाह है गौसुल वरा। इस बारगाह पे मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ और आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम। पूरे शहर पे निगाहें करम रहता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। सर जो दरगाह ऐसी जगह पे है मौजूद है कि यहाँ से पूरा अमरावती शहर हजरत को नज़र आता है। माशाल्लाह सब पे इनायत करम और महबूब सुबानी जो है सब वलियों के सरदार है और इनका कदम मुबारक सब वलियों से गर्दन बेशक कहा जाता है। बेशक वलियों के वली सुल्तानुल औलिया पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह। या दस्तगीर करम कीजिए, करम की बार है, आप करम कर दे तो पल में बेड़ा पार है। तो दोस्तों सरकार के चिल्ला शरीफ पे गौसल वरा के आप तमाम लोगों का सलाम और हाजिरी पेश की और आप तमाम लोगों के हक में दुआएं खैर की। अल्लाह ताला सुल्तानुल औलिया सरकार पीराने की दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह इनके दुआओं के सदके तो फिर आप तमाम लोगों के दुआ परेशानियों को दूर करें। आप तमाम लोग शाद रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और यहाँ की मालूमत आप लोगों के खिदमत में पेश करूँगा। ये है बारगाह महबूब सुबानी मल्टी। चलिए दोस्तों इधर से घूम जाता हूँ मैं।
सरकार का जो चैनल है हमारा वो बरकत में रखने लगे पूछना है दोस्तों, ये सरकार के हाकिम साहब हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने इन्हें उसका फसल किया है कि महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर शेख इनकी खिदमत का इन्हें शर्फ हासिल हुआ और हमारे चैनल के जरिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे हमारी हाजिरी हुई और दुआए खैर आप तमाम लोगों के लिए भी यहाँ पे हमने दुआएं मांगी, आप तमाम लोग खुशहाल रहे आबाद रहे। तो सरकार का चिल्ला चली अभी ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरे अपने अंदाज से 500 साल के दरमियान में कुछ बाद में ये चिल्ला शरीफ नहीं है, तबरुक है। चिल्ला बोले तो वो हिंदुस्तान आए, वो हिंदुस्तान नहीं आए, तो तबरुक आया वहाँ से। जो तबरुक में शफा है वो चिल्ले में क्या होगा, नाम में शफा है वो बीबी अम्मा थी, इनकी अम्मा थी अम्मा साहेब है। हाँ, शुक्रिया आपने हमें जो भी मुख्तसर सी जानकारी दी इसके लिए हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनके सच्चे रुपये आपको आबाद है आबाद रहें। चलिए आइए, अस्सलाम वालेकुम। आगे कितने चाहिए बच्चों को? बच्चों को बहुत हो जाए। तो ये जो आपको बारगाह नज़र आ रही है, आपके खिदमतगार और दिल अजीज़ अम्मा साहिबा है, और आपने जो यहाँ पे माल टेकड़ी पे सरकार गौसल वर्ग की जो तबरुकात यहाँ पे लाए गए और जिससे यहाँ पे रूहानी फैज़ लोगों को मिलता है, और जो भी अपनी मुश्किलात और परेशानी में यहाँ पे आता है अल्लाह के फजल करम से फैज़याब होकर यहाँ से जाता है। तो ये अम्मा साहिबा है, यहाँ पे इनकी भी एक बारगाह आपको नज़र आ रही है। तो चलिए चलते हैं। ये कहाँ पे है? अच्छा, तो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हो? हाँ। तो माशाल्लाह देखो दूर दूर से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और हजरत की बारगाह से फैज़ पाते हैं। तो दोस्तों ये महबूब सुबहानी आपका यहाँ पे चिल्ला शरीफ है, माल टिकड़ी के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, आप तमाम लोगों की हाज़िरी और सलाम हजरत की बारगाह पे पेश करने के बाद में आप तमाम लोगों से एक इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दुआओं में याद रखिए। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र पे एक और अल्लाह के वली के बारगाह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।